हेलो एंड वेलकम टू के डीबीज किचन। आज हम बनाएंगे तीखी चटनी फॉर सेव सल और सेव तरी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए तेल करीबन 5 से 6 टेबलस्पून, अदरक लहसुन की पेस्ट हमें चाहिए 1 टेबलस्पून, अनियन की प्योरी चाहिए 1 टेबलस्पून, टमाटर की प्योरी चाहिए 2 टेबलस्पून, थोड़ी सी हींग, धनिया पाउडर हमें चाहिए आधे से 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर हमें चाहिए करीबन 3 टेबलस्पून और नमक हम लेंगे स्वादानुसार। अभी हम एक छोटा सा पैन ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे, उसके बाद हम डालेंगे उसमें 1 टेबलस्पून अनियन की प्योरी। ये चटनी बनाना बहुत ही सिंपल है और इजी है, आप इसे करीबन 5 मिनट में इजीली बना सकते हो। इसको हम अच्छे से हिला लेंगे और अनियन की प्योरी को थोड़ा सा कलर चेंज हो तब तक हम पकाएंगे, क्योंकि हम कम क्वांटिटी में बना रहे हैं ये जल सकती है, इसलिए आप उसे खड़े खड़े ही बनाएं। ये अनियन का कलर चेंज हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्योरी करीबन 2 टेबलस्पून, उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को भी हम करीबन 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। आप देख सकते हो हमारा टमाटर भी अभी पक चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट करीबन 1 टेबलस्पून, उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और करीबन 30 सेकेंड्स के लिए कुक करेंगे। ये जिंजर गार्लिक भी अभी पक चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे करीबन 5 से 6 टेबलस्पून पानी, ताकि जब भी हम मसाले डालेंगे वो जल ना जाए। अभी हम डालेंगे इसमें मसाले, थोड़ी सी हींग डालेंगे, धनिया पाउडर हम डालेंगे आधा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर, आपको जितना स्पाइसी चाहिए उतना डाल सकते हो। यहाँ पे मैं करीबन 2.5 टेबलस्पून डाल रही हूँ और यहाँ पे आप नमक भी स्वाद अनुसार ज़रूर डालिए। नमक डालते वक्त मेरा कैमरा ऑफ था इसलिए वो शूट नहीं हो पाया, इसलिए आप नमक डालना मत भूलिए, नमक आपको स्वाद अनुसार डालना है। मसाले को डालने के बाद हम उसको 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे और यहाँ पे मैं और तेल डाल रही हूँ ताकि वो ऊपर से दिखे। सो 1 मिनट के बाद हमारी जो चटनी है वो बिल्कुल रेडी है। अब इस चटनी को सेव सल में तीखी चटनी की तरह हम यूज़ करते हैं। अभी इसको आप सेव तरी कैसे बनाएंगे? अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डालते हो तो जो हमारा तेल और लाल मिर्च पाउडर है वो ऊपर तर कर आ जाएगा, तो उस ऊपर से वो तरी बन जाएगी, उस तरी को आप सेव सल में यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारी हो गई तीखी चटनी और सेव तरी की रेसिपी। इस चटनी को आप सेव सल में यूज़ कर सकते हैं और जो पाव भाजी के स्टॉल पे मसाला पाव मिलते हैं उसमें भी यही चटनी का यूज़ होता है। इस चटनी को आप काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेरा सेव सल का रेसिपी वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो आप ऊपर वाली लिंक पे जाके उसको देख सकते हो। द डिटेल्ड रेसिपी ऑफ दिस वीडियो यू कैन चेक आउट माई ब्लॉग, आई विल गिव ऑल द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।